इस वक्त हमारे पास जो पहली खबर है, बड़ी खबर है, वो ये है कि इलॉन मस्क ने घंटियां बजा दी हैं, अलार्म बेल्स बजा दी हैं कि चाइना कोलैप्स करने वाला है। मस्क ने बहुत डिटेल में बताया कि भाई चाइना डूबने वाला है। तो आपको मुल्की मईशत को देखते हुए, जो सूरत हाल उसको देखते हुए लगता है कि ऐसा होगा? आई थिंक मुझे समझ आ रही है क्यों उन्होंने ये बात कही है। क्यों? वो इसलिए कही है कि इस वक्त टोटली डिपेंडेंट ऑन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। पूरी दुनिया के पैसे लगे हुए हैं चाइना के अंदर। चाइना ने पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट्स लिया है। अगर ये इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती हैं, सारे दुनिया की बैंकिंग तो कलैप्स कर जाएगी। भारत अपॉर्चुनिटीज का इंतजार नहीं कर रहा, अपॉर्चुनिटीज भारत में ऑलरेडी लैंड कर रही है। और भाई पाकिस्तान जैसा जानवर, उसको पूरी दुनिया ने लोन दिया हुआ है, वो कहीं मर ना जाए उसके लिए उसको और लोन देना पड़ता है। वही हाल चाइना का भी है। हाल देखो इनका, तेरा अल्लाह ही बूटा लावेगा। फिर जश्न मनाते हैं, हो गया, मिल गए पैसे, फिर उस पैसे पे सूद भी देना है। ये तो अजीब भिखारी है। भिखारी भीख मांगता है, चलो ठीक है, खैर है, चलो भाई, लेकिन उस पे सूद तो नहीं देता वो तो। आपको लगता है कि हमें अब इस बारे में सोचना होगा कि हमसे कहां कहां पे गलतियां हुई और उसका दरक कैसे मुमकिन बनाया जाए? नमस्कार दोस्तों, अब एलन मस्क का पिछले दिनों कहना ये था कि भाई चाइना जो है आने वाले दिनों में कोलैप्स करने वाला है, मतलब कि टूटने वाला है। मैं चाइना की जियोग्राफिकल की तौर पर नहीं कह रहा, इकोनॉमी वाइज कह रहा हूँ कि भाई सिचुएशन उसके लिए बहुत विपरीत होने वाली है। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं अमेरिका के अंदर और सिचुएशन ये होती जा रही है कि टैरिफ लगाए जाएंगे कई सारे कंट्रीज के ऊपर। और हो सकता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो पूर्व कार्यकाल था उसमें चाइना के साथ ट्रेड वॉर शुरू की थी, और हो सकता है आने वाले दिनों में कि भाई तकरीबन 500 बिलियन का या फिर 700 बिलियन का बेनिफिट रहता है चाइना को जब वो अमेरिका के साथ ट्रेड करता है, वो प्लस में रहता है। ठीक है, तो बात ये है कि अब हो सकता है कि तकरीबन 60% की ड्यूटी लगाई जा सकती है या फिर टैरिफ लगाया जा सकता है बाय अमेरिका टू चाइना। अब ज़रा सोचिए कि जो कंट्री, मतलब चाइना, निर्भर करता है अमेरिका के ऊपर, अगर अमेरिका से आने वाला फ्लो, पैसे का फ्लो अगर इस बड़ी मात्रा में कम हो जाएगा तो ज़रा सोचिए कि क्या हालत होगी। और यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। पर हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूले। एक न्यूज आई कि इलॉन मस्क ने घंटियां बजा दी हैं, अलार्म बेल्स बजा दी हैं कि चाइना कोलैप्स करने वाला है। इलॉन मस्क है, आपको मालूम है, हमेशा ही वो फ्यूचरिस्टिक इनोवेशंस की बात करता है। कोई भी डेंजर आने वाला होता है ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम के अंदर तो पहले बताया था कि यहाँ पर ये गलती आने वाली है। अब मस्क ने बहुत डिटेल में बताया कि भाई चाइना डूबने वाला है। आपको मालूम है इलॉन मस्क कभी भी छुपी हुई बात नहीं करता, वो हमेशा ही डायरेक्ट बात करता है। और इसकी चीजों के ऊपर विश्लेषण करना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत इसी सिचुएशन में से अभी भी गुजर रहा है और इसके लिए भारत को भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। क्योंकि जो कंट्री का मॉडल होता है और कंपनी का मॉडल ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, स्केल का फर्क है। उसने बोल दिया कि चाइना ने तरक्की बहुत करी, कि सारी दुनिया को पीछे छोड़ दिया। ये वो कंट्री है जो बिल्कुल गरीबी में था, लेकिन अभी उसके बाद इन्होंने 30-40 साल मेहनत करी और मेहनत करके आज एक डेवलप्ड कंट्री ये बन गए हैं। और इलॉन मस्क ऐसी कंट्री के लिए प्रेडिक्ट कर रहा है कि इकोनॉमिक कोलैप्स चाइना में आने वाला है। इनका मॉडल बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। आप पहले दुनिया की कंपनियों को बुलाइए, उनको बोलिए फैक्ट्री बिल्ड कीजिए, और उसके बाद एक्सपोर्ट, यानी कि बिल्ड, मैन्युफैक्चर, एक्सपोर्ट, सिर्फ तीन चीजें, इसके ऊपर चाइना ने कॉन्सेंट्रेट किया। ऊपर से WTO को इन्होंने ज्वाइन कर लिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को 2001 में। उसके बाद इन्होंने अपनी कंपनी कंट्री को बिछा दिया दुनिया के सामने ये बोलकर कि लो लेबर कॉस्ट है, लैंड चीप है, और इन चीजों को दिखाते हुए इन्होंने अट्रैक्ट किया ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। ये वो टाइम था जब कांग्रेस की सरकार सोई हुई थी और ये बोल रही थी और सामने उसकी जरूरत है, मैन्युफैक्चरिंग करने की चाइना करता रहा है। लेकिन दोस्तों, चाइना वो कंट्री है, इन्होंने पूरे दुनिया की ग्रोथ को एक इंजन की तरह आगे लेके गया। लेकिन अभी जैसे कोई भी इंजन है, अगर लगातार चलता रहेगा ओवरहीट हो जाता है। तो इलॉन मस्क भी बोल रहा है कि चाइना का जो इंजन है ग्रोथ का वो ओवरहीट हो गया है। और एक और चीज बोली है कि चाइना जो है उसकी जो फाउंडेशन थी वो फ्रेजाइल थी, क्रैक्स थे उसके अंदर। अब ये क्रैक्स कौन से बोल रहा है? उसने बोला तीन इश्यूज। पहला था कि $50 trillion की रियल एस्टेट की ये बबल है। आपको मालूम है रियल एस्टेट में तो भांडा फूट गया इनका,
हालत खराब है, बैंक डिफॉल्ट होते जा रहे हैं और जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, जो यहाँ पे जिसको बोलते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की अपनी कंपनियां हैं, उन्होंने इतने अनाप शनाप पैसे उठाए हुए हैं पूरी दुनिया से, जो वापस देने का उनका ना तो नियत है ना ही हैसियत रही है। यानी कि जो इलॉन मस्क बोल रहा है कि इसके रिपल इफेक्ट हैं पूरी दुनिया में, क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल बैंकों के जब ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वापस नहीं आएंगे, पूरे दुनिया की जो ये बैंकिंग सिस्टम है वो कलैप्स कर जाएगा। ये प्रॉब्लम सिर्फ चाइना की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए प्रॉब्लम बनने वाली है। क्यों? पूरी दुनिया के पैसे लगे हुए हैं चाइना के अंदर, और भाई पाकिस्तान जैसा जानवर उसको पूरी दुनिया ने लोन दिया हुआ है, वो कहीं मर ना जाए उसके लिए उसको और लोन देना पड़ता है। वही हाल चाइना का भी है। चाइना ने पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट्स लिया है, अगर ये इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती हैं सारे दुनिया की बैंकिंग तो कलैप्स कर जाएगी। भाई आपने कोविड में देख लिया, कोविड यहाँ हुआ पूरे दुनिया को 3 साल के लिए बंद कर दिया, ये खुद खुले रहे। तो यही चाइना का स्टाइल है, ये अपने आप को मरने नहीं देंगे, दुनिया को तोड़ के रख देंगे ये लोग। इसलिए बार बार इलॉन मस्क एक इंडिकेशन दे रहा है कि जो कंट्रीज हैविली रिलाई करती हैं चाइना के ऊपर, इन्हें अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी रखनी पड़ेगी। और तीसरा है, ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है एनर्जी के ऊपर जो कि इंपोर्ट होती है, ऑयल और कोल के ऊपर, और इसके कारण इनकी जो बेस है वो हिला हुआ है। यानी कि चाइना की जो ग्रोथ है वो एक ट्रैप बन गया है, एक ऐसे बाउंडर में चाइना फंस गया है इलॉन मस्क के हिसाब से, कि यहां से निकलना बहुत ही मुश्किल है। अब इलॉन मस्क ने सॉल्यूशन बताए हैं, और ये सॉल्यूशन आपके लिए अगर आप कंपनी चलाते हैं या भारत के लिए, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट 3-4 पॉइंट है जो समझने की बात है। एक तो जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके ऊपर चाइना को काम करना पड़ेगा, जिसके ऊपर ऑलरेडी चाइना बहुत बड़े लेवल पर काम करता जा रहा है। दूसरा, जो चाइना की हमेशा डिपेंडेंसी रही है एक्सपोर्ट के ऊपर, इलॉन मस्क ने बोला कि यहां पर ग्रोथ डोमेस्टिक कंजम्पशन से करनी पड़ेगी, यानी कि जो एग्जिस्टिंग मॉडल है एक्सपोर्ट का चाइना का वो सस्टेनेबल नहीं है, और जो इकोनॉमी है चाइना की उसे कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी बनाना पड़ेगा जैसे भारत की है। अब चाइना करेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन इस सजेशन बहुत ही बढ़िया है। और तीसरा बोला, कॉपी करना बंद करो चाइनीज, ये बोल दिया इलॉन मस्क ने, भगवान के वास्ते इनोवेशन करना शुरू करो। और ये चीज मैं भी मानता हूँ कि भारत को भी इनोवेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा कोई निजाम अभी तक नहीं बना है, ऐसा कुछ अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया है जिससे इस तरह के लोगों को ये बताया जा सके कि किसी से मांगना बुरी बात है। लेकिन जब वो ये देखते हैं कि पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे किसी भी मिनिस्ट्री के लोग हों, चाहे एस्टैब्लिशमेंट के लोगों के, वो जाकर कभी चाइना से, कभी सऊदी अरब से, कभी अमेरिका से बात कर रहे हैं कि मुल्क चलाने के लिए पैसा दे दीजिए, और खुद कमा नहीं रहे, खुद कमाने की, खुद काम करने की आदत जो है वो ना गवर्नमेंट में रही है और ना ही आम पब्लिक में रही है।